सेंटर एसी कंसोल चेंज किया गया है, ये भी स्पेयर पार्ट है, ये भी कंपनी से आता है और ये बीच में इसमें सिल्वर मिलेगा, अगर डिपेंड कराओगे तो पूरा ही ब्लैक हो जाएगा। एम्पलीफायर हमने SNB का BO को इंस्टॉल करके दे दिया, ब्राइटनेस जबरदस्त आती है, अंधेरे में भाई कहीं भी ले जाओ कॉन्फिडेंस पूरा आएगा क्योंकि इस गाड़ी में फॉग लाइट नहीं है। ये हमारे कंपोनेंट के कपलर हमने इंस्टॉल करे हैं, पीछे वाली वायरिंग कंपनी की है। दोनों स्टेयरिंग अवेलेबल है यहाँ पे, अगर आपको विटारा का चाहिए विटारा का मिल जाएगा और ये वाला चाहिए तो ये वाला मिल जाएगा। काले वाला पोर्शन निकाल देंगे गियर बूट का और ये वाला पोर्शन लगा देंगे तो ये देख पाओगे भाई कैसा लगता है। प्योर ग्लॉस ब्लैक के अंदर आप लोगों को क्वालिटी में फ्रेम इंस्टॉल करके देने वाले हम लोग, फ्लोर डैम्पिंग, डोर डैम्पिंग, रूफ डैम्पिंग। हेलो एवरीवन, बैक टू माय YouTube चैनल, मैं हूं मन, आप देख रहे हैं कार न्यूटर। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो भाई बहुत ही बढ़िया गाड़ी हमारी ग्रैंड विटारा, और ये जो है हमारा रहता है भाई सिग्मा वेरियंट। क्या क्या इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं, वैसे तो इसको बनाएंगे भाई टॉप मॉडल, बहुत सारी चीजें। कैरेंस की वीडियो देखने भाई चैनल पे चले जाओ, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कार काउंटिंग कार्स, और यहाँ पे आके आप कुछ भी करा सकते हैं A to Z, ओरिजिनल आइटम से लेके आफ्टर मार्केट जितनी भी सारी चीजें आप लोगों को चाहिए सारी यहाँ पे रहती है। तो भाई इसकी डिटेल अभी शुरू करूंगा, उससे पहले आपको दिखा देता हूँ भाई क्या क्या आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा। एक तो आप ये देख रहे हो अपकमिंग वीडियोस में कैरेंस देखने के लिए मिलेगी, एक देखने के लिए मिलेगी टोयोटा हाईराइडर जिसमें प्योर ब्लैक कलर के सीट कवर्स इंस्टॉल करे गए हैं, और एक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, एक आपको देखने के लिए मिलेगी विटारा जिसके अंदर हमने फ्लोर डैम्पिंग, डोर डैम्पिंग, रूफ डैम्पिंग पूरी की पूरी डैम्पिंग करने वाले हैं, और इसके अंदर ओरिजिनल स्टीरियो जो कि कंपनी फिटेड स्टीरियो आता है टॉप मॉडल का, इसके अंदर आप लोगों को 360 चालू करके दिखाएंगे जो कि आप नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को क्योंकि इस तरीके का जबरदस्त वाला कंटेंट आपको सिर्फ मिलेगा कार म्यूटर्स पे, और आपको काम कराना है तो आप आ सकते हो सीधा काउंटिंग कार्स पे, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी। सो भाई अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या कुछ इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे हमारा ग्लॉस ब्लैक फ्रेम, क्योंकि इसके अंदर फ्रेम आता नहीं है, मतलब इसमें स्टीरियो ही नहीं आता, तो ये ऐसे सीधा है, तो ये देख पाओगे प्योर ग्लॉस ब्लैक के अंदर आप लोगों को क्वालिटी में फ्रेम इंस्टॉल करके देने वाले हम लोग, और प्योर ग्लॉस ब्लैक डिप पेंट है, ये कोई इंपोर्टेड ग्लॉसी फ्रेम नहीं है, ये हम मैट फ्रेम को हाइड्रो डिप पेंट करके इसको ग्लॉसी बनाते हैं ताकि टॉप क्वालिटी इसके अंदर बरकरार रहे जो कि आपका सेम क्वालिटी होता है यहाँ वाला। ये पैनल हमने चेंज कर दिया है, तो अगर आप इसकी क्वालिटी चेक करोगे जो हमारा मटेरियल है तो आप ये देख सकते हो कि दोनों की क्वालिटी सेम टू सेम है, बल्कि आपको इसकी भी 19-20 ज़्यादा ही लग रही होगी इसकी क्वालिटी के सामने। तो हम इतनी हाई एंड क्वालिटी के अंदर आप लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं जिसके लिए आप आ सकते हैं यहाँ पे काम कराने के लिए। साथ में हमने इसके अंदर इंस्टॉल करना है भाई ये काले वाला पोर्शन निकाल देंगे गियर बूट का और ये वाला पोर्शन लगा देंगे तो ये देख पाओगे भाई कैसा लगता है। गियर नॉब भी अभी इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, गियर नॉब चेंज करके कॉम्पोनेंट इसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं भाई मैक्सिमो मॉडल के, मैक्सिमो सीरीज के इंस्टॉल कर रहे हैं, और कंपोनेंट अभी इसमें फ्रंट साइड पे लगेंगे। एसी वेंट हो गया, एसी वेंट वहाँ देख लो भाई खुल गया अपना, एसी वेंट का बॉक्स जेन्युइन बॉक्स ये मारुति का पड़ा हुआ है, और एसी वेंट मारुति के में से निकल के फिर इस तरीके से आपका लग जाएगा जो कि टॉप मॉडल के अंदर आता है। तो क्वालिटी देख पाओगे, ये भी बिल्कुल हाई एंड ओरिजिनल पार्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। स्टेयरिंग इसका बेसिक होता है, कॉलिंग फीचर नहीं होते इसके अंदर और लेदर रैप नहीं होता, तो हम पूरा का पूरा स्टेयरिंग चेंज कर देते हैं। दोनों स्टेयरिंग अवेलेबल है यहाँ पे, अगर आपको विटारा का चाहिए विटारा का मिल जाएगा और ये वाला चाहिए तो ये वाला मिल जाएगा, पर ये मेरे को ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसका जो सिल्वर पार्ट है ये सिल्वर पार्ट डोर के सिल्वर पार्ट्स में और बीच में जो वो उसकी सिल्वर पार्ट होता है ना उससे काफ़ी अच्छा मैच आउट हो जाता है, तो इसलिए मेरे को ये वाला ज़्यादा स्टेयरिंग अच्छा लगता है। पर अगर आपको ये वाला चाहिए तो इसका भी मिल जाएगा आपको कॉलिंग बटन वाला पूरा विटारा का स्टेयरिंग काउंटिंग कार्ड्स पे, ये 1000 रुपये सस्ता भी है तो ये वाला भी अच्छा लगता है देख लो, और इसमें ओरिजिनल लेदर रैप भी आप लोगों को मिल जाएगा कंपनी से हुआ हुआ जो कि टॉप मॉडल के अंदर आता है। बैक साइड की USB येरी भाई अभी लगाई नहीं, अभी खोल दिया है, तो बैक साइड में ओरिजिनल USB लगाएंगे, आगे USB लगाएंगे, बेस ट्यूब लगाएंगे, इसमें सिस्टम पूरा लगाएंगे, एम्बिएंट लाइट लगेगी इसके अंदर, डैम्पिंग इस साइड हुई नहीं है, इस साइड सिर्फ हमने कपलर लगा दिए अभी। ये हमारे कंपोनेंट के कपलर हमने इंस्टॉल करे हैं, पीछे वाली वायरिंग कंपनी की है, तो वायरिंग ना काटते हुए इसके अंदर हम कपलर लगा देते हैं ताकि आपकी वारंटी वर्ड ना हो, तो कपलर टू कपलर सारे कनेक्शन इसके अंदर किए जाते हैं। अंदर की साइड अगर उधर आप लोगों को दिखाता हूँ तो भाई क्या चल रहा है, तो उसमें डैम्पिंग आप लोग देख पाओगे, पार्सल ट्रे इसमें इंस्टॉल हो गई है, इधर जो है डैम्पिंग आपको मिलेगी नीचे सिल्वर वाली कर रहे हैं इसमें पैरामेट के अंदर की साइड देख पाओगे, और इसमें डबल लेयर डैम्पिंग होगी अंदर भी बाहर भी, एम्पलीफायर भी लगेगा। सो भाई गाड़ी का काम जो है वो भाई कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को भाई दिखाते हैं भाई इसके जलवे, ठीक है। सो भाई ये हेडलाइट है लो बीम पे, ये हाई बीम पे लाइट है, आप लोगों को पता है भाई 130 वॉट लगाते हैं, ब्राइटनेस जबरदस्त आती है, अंधेरे में भाई कहीं भी ले जाओ कॉन्फिडेंस पूरा आएगा क्योंकि इस गाड़ी में फॉग लाइट नहीं है, तो लाइटें जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई अंदर क्या इंस्टॉल करा हमने, तो स्टीयरिंग भाई हमारा पूरा लग चुका है A to Z, आप देख पा रहे हो ओरिजिनल लेदर के साथ किस तरीके से नज़र में आता है। एम्पलीफायर हमने SNB का BO को इंस्टॉल करके दे दिया ताकि ये बेस ट्यूब जो भैया लेकर आए थे अपने साथ 1300 वॉट की ये चल जाए, और जो हमने स्पीकर्स इंस्टॉल करे हैं फ्रंट साइड में, हमने इसके अंदर कॉम्पोनेंट इंस्टॉल करा था यहाँ पे अंदर की साइड,
तो ये जो है बढ़िया तरीके से चले, कोई दिक्कत ना आए। मोरल के मैक्सिमम हमने जो है वो इंस्टॉल करे थे इसमें, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हैवी एम्पलीफायर हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। उस साइड बैटरी होती है इसकी, तो इसीलिए वहाँ पे जो है कुछ कर नहीं सकते। सीट लग रही है भाई, वापस सीट लगेगी तब दिखाऊंगा आप लोगों को। और ये इसका DSP है भाई, इसकी सेटिंग वेटिंग पूरी ओके कर दी है, इसकी सेटिंग पूरी ओके कर दी है। अभी लास्ट में आप लोगों को पूरा मैं एक बारी और डिटेल में दिखा दूंगा जब गाड़ी हमारी पूरी पैक हो जाएगी, कि किस तरीके से फिटमेंट आई है पूरी की पूरी और साउंड आउटपुट कैसा आ रहा है। सो भाई इसमें सबसे पहले आप लोग बैक कैमरा देख लो, बैक कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। अंदर की साइड दिखाता हूँ आपको, एक पार्सल ट्रे ओरिजिनल जो हम इंस्टॉल करते हैं वो आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ कर्टेंस जो है वो भैया लगवा के लाए थे ओरिजिनल हाइपरसोनिक का। यहाँ पे हम लोगों ने स्मार्ट पैड जो कार पैड आता है वो इंस्टॉल करा है। बैक में हम लोगों ने भाई स्पीकर निकाल लिए हैं भाई, ये आते हैं कंपनी की साइड से। पीछे इन्फिनिटी के लगाए हैं, आगे मोरल के लगाए हैं। बेस्ट ट्यूब भैया लाए थे JBL का, वही हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। आगे मोरल के मैक्सिमो के कंपोनेंट्स लगे हैं, पीछे इन्फिनिटी के नॉर्मल कोएक्सल लगे हैं, इन्फिनिटी बाय हरमन के लगाए गए हैं। आगे की साइड आप लोगों को दिखाते हैं भाई, लाइट का थ्रो आप लोग देख चुके हो वैसे तो। ये जो है लाइट का थ्रो है 130 वॉट के अंदर। फ्रंट साइड पे हमने इसके अंदर एक ये वाली ग्लॉस ब्लैक इंस्टॉल करा था और सामने बम्पर पे ये वाली काली वाली पट्टी इंस्टॉल करी थी। तो बाहर की साइड भाई इतना ही है, और एक आप लोगों को क्रोम लाइन डोर वाइजर देखने के लिए मिल जाएगा। 2590 की MRP रहती है भाई, बाकी आप 10% डिस्काउंट अपने आप कैलकुलेट कर लेना। ओरिजिनल डोर वाइजर ग्रैंड विटारा के बाय नेक्सा इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। रिप्लेसमेंट वाले पार्ट्स दिखा देता हूँ क्या क्या रिप्लेस किए जाते हैं। एक डैशबोर्ड आप लोगों को मिलेगा जो कि रिप्लेसमेंट पार्ट रहेगा, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट होता है ये, स्पेयर पार्ट मारुति जेन्युइन होता है, ये चेंज किया हमने, जिसमें इंटीरियर कंपनी से चढ़ के आता है। डुअल स्टिचिंग आती है, डुअल स्टिचिंग जो आती है इसके अंदर चारकोल की आती है, चारकोल ब्लैक। ऊपर की साइड हमने एक एसी वेंट इसका रिप्लेस करा है जिसमें ग्लॉसी आता है जैसे कि टॉप वेरिएंट के अंदर आता है, ये भी स्पेयर पार्ट है। एक हमने इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील इंस्टॉल करा है सिल्वर पार्ट के साथ, ये भी स्पेयर पार्ट है जिसमें ओरिजिनल लेदर चढ़ा हुआ आता है जो आप ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में देख चुके हो विद कॉलिंग बटन। एक हमने गियर का यहाँ वाला पार्ट चेंज करा है, ये भी रिप्लेसमेंट पार्ट है जिसमें अंदर की साइड सिल्वर लाइनिंग आती है, ये भी टॉप मॉडल का पार्ट है। गियर नोब हमने इसके अंदर चेंज करा है, ये भी स्पेयर पार्ट है, ये भी टॉप मॉडल का पार्ट है। फ्रंट USB इसके अंदर इंस्टॉल करी गई है। सेंटर AC कंसोल चेंज किया गया है, ये भी स्पेयर पार्ट है, ये भी कंपनी से आता है। और ये बीच में इसमें सिल्वर मिलेगा, अगर डिपेंड कराओगे तो पूरा ही ब्लैक हो जाएगा। और यहाँ से आप देख पाओगे ये सिल्वर इसके साथ मैचिंग रहता है। ग्लॉसी इसके अंदर हमने फ्रेम इंस्टॉल करा है, 232 एप्पल कारप्ले वाला स्टीरियो इंस्टॉल करा है। और स्पीकर्स मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, तो एक बार साउंड आउटपुट आपको सुना देता हूँ इसके बाद। और एक ये वाला पार्ट रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है जो डैशबोर्ड इसके अंदर आता है, और एक उधर का AC वेंट। तो ये सारे जितने फ्रंट का रिप्लेसमेंट होते हैं सारे के सारे हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। और मैं अब इसके बाद आप लोगों को एक आउटपुट सुनाता हूँ कि कैसा आउटपुट आ रहा है इसके अंदर बेस ट्यूब और कंपोनेंट लगाने के बाद। I don't really understand myself. I don't really understand any help. I don't wanna be left on.